नमस्कार, एमपी न्यूज़कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिनभर के कुछ खास खबरों के साथ। कौशाम्बी कड़ाधाम कोतवाली के अलीपुर जीता चौकी के दौलतपुर कसार में चौकी प्रभारी मुनेश कुमार गौतम की अध्यक्षता में गई पीस कमेटी की बैठक में सैकड़ों लोग रहे मौजूद। ग्रामीणों को चौकी प्रभारी ने आगामी होली के पर्व को लेकर आपस में मिल एक साथ मानने की बात कही। साथ ही साथ होली में कोई भी व्यक्ति हरे पेड़ काट कर न डालने की बात कही और कोई भी व्यक्ति किसी के साथ जबरदस्ती रंग नहीं डालेगा जब तक सामने वाले का मन न हो। साथ ही साथ कहा गया कि होली शुक्रवार के दिन पड़ रही है, उसमें मुस्लिम समाज के लोग उस दिन जुमा की नमाज भी पढ़ेंगे, इसलिए होली 12 बजे के पहले खत्म कर ले और एक दूसरे का सहयोग करे। कोई भी व्यक्ति शराब ना पिए और किसी के साथ दुर्व्यवहार न करे। अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह की घटना को अंजाम देगा उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। इस मौके पर ग्राम प्रधान अनिल कुमार शर्मा, सुनील कुमार शर्मा, रामसूरत गौतम, रामसूरत पाल, राम निहोरे गौतम, शाह मोहम्मद, मुस्लिम सलमानी, लखन सरोज इत्यादि सैकड़ों ग्रामीण रहे मौजूद। कौशाम्बी से विकास कुमार गौतम की रिपोर्ट। हर व्यक्ति का मन नहीं होता कि मैं होली खेलूं। सही बात है। तो अपना घर में रहे काबू रहे। हां वो भी अच्छी बात है। हां ये अच्छी बात है। आपने घर में पी है और अगर पी रहे हैं तो पीने के बाद अपने घर में रहे और फिर भी नहीं रुक पा रहे हैं तो उपद्रव ना करें। अगर उपद्रव जरा सा होगा तो तूल पकड़ेगा, तूल पकड़ेगा तो निश्चित रूप से मुकदमेबाजी होगी, मुकदमेबाजी होगी तो तीन पीढ़ी खराब हो जाती है। लाइसेंस नहीं मिलता, नौकरी नहीं मिलती, ये दो चीज़ तो